हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। सुबह के अभी बज रहे हैं 7, तो हम 6 बजे आज उठ गए थे, तो अभी हम टहल चुके हैं 1 घंटा और अब चल रहे हैं घर। तो घर के मेरे पास में एक पार्क है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो आज हम यहीं पे टहले हैं। देख सकते हैं आप लोग, तो कॉलोनी है एक बगल में, वहीं पे एक छोटा पार्क है और इसमें एक मज़ार भी है जिसमें लोग दर्शन भी करते हैं। तो आज हम यहीं पे टहल लिए हैं, चल रहे हैं घर। तो मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। आज हम फिर बना रहे हैं थोड़ा सा चावल का नमकीन, तो 2 दिन बनाए थे, आज फिर बना ले रहे हैं। तो देखिए, ये हम चावल पका लिए हैं, इसमें हम पीला कलर डाले हैं। 2 दिन बनाए थे तो कलर नहीं डाले थे, आज इसमें कलर डाल दिए हैं, 1 दिन और डाले थे। तो ये है मेरा तेल की कुप्पी, इसका कोना हम काट लिए हैं इस तरह का, और इस इधर खोल दिए हैं मतलब डालने के लिए। तो अब हम इसमें भर करके, तो देखिए ये बना रहे हैं जलेबी की तरह, आप लोग को दिखा रहे हैं, इसलिए इस हाथ से भी पकड़े हैं। तो देखिए ऐसे, ऐसे तेल का पैकेट रहे तो रख दीजिए चावल में पानी ज़्यादा करके, और गीला करके इसमें नमक डाले हैं। मंगरेल बहुत थोड़ी सी था तो डाल दिए हैं, नमक और मंगरेल डाला जाता है। तो देखिए इसे हम बना ले रहे पूरा, होली की तैयारी हो रही थी। कल होली है गाइस, तो हैप्पी होली एडवांस में आप लोगों को। देखिए इसी तरह हम सब बना लेंगे जलेबी की तरह, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कलर डाल दिए इसमें पीला पीला। एक दिन और बनाए थे तो कलर नहीं डाले थे, तो वाइट वाइट भी बहुत सुंदर लगता है चावल का। तो अब इस तरह का हम पूरा बना लेंगे। 1/2 किलो चावल है, पानी इसमें 2 लोटा डाल दिए हैं। अब इसको बना के चलेंगे, फिर झाड़ू उड़ू लगाएंगे, फिर नहाएंगे, पूजा वूजा करेंगे। ठीक है गाइस, तो देख लिए मेरा कैसे बन रहा है ये चावल का नमकीन, आप लोग भी बनाइए और बताइए कैसा लगा खा करके। तो मिलेंगे फिर अभी थोड़ी देर में आप लोग से। तो देखिए गाइस, आज हम चले हैं लिसोड़ा की सब्ज़ी बनाने। तो ये है मेरा लिसोड़ा और ये है आलू, टमाटर, प्याज, मसाला। तो अभी हम कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं और ये आलू और लिसोड़ा एक साथ हम इसको फ्राई करेंगे, फिर दिखाते हैं आप लोग को अभी थोड़ी देर में। देखिए मेरा आलू गला गया तेल में, अब हम इसमें डाल देंगे निचोड़ा भी। ये देखिए गाइस, गुजिया बनाने वाला तो आया है मेरे यहाँ, खोआ और मैदा और बनेगा गुजिया। इसको अभी हम थोड़ा मीडियम आंच पे खूब अच्छे से लाल करेंगे पहले। देखिए इसका सब्जी बहुत टेस्टी बनता है गाइस, ये बस इसी समय मिलता है, हमेशा नहीं मिलता, यही मुश्किल से 10-15 दिन तक बिकता है इसी महीने में, उसके बाद फिर ये साल भर के बाद ही मिलता है निचोड़ा। तो देखिए गाइस, ये मेरा लाल हो रहा है, देखिए इस तरह से लाल हो रहा है, ये भी लाल हो जाएगा तो इसको निकाल देंगे, फिर तेल डाल करके
देखिए अभी लाल हो गया है, हम इसको निकाल लेंगे पूरा। देखिए हम इसको निकाल लिए हैं, अब हम इसमें तेल में डाल दिए हैं प्याज और एक तेज पत्ता। अब ये लाल हो जाएगा तो फिर हम इसमें सारे मसाले डालेंगे, सब्जी मसाला, गरम मसाला और ये पीस के रखा है लहसुन, प्याज, मर्चा, अदरक। अब इसमें हम सब मसाले डाल दिए, गरम मसाला, सब्जी मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्चा। तो अभी हम इसमें नमक डाल के इसको ढक के पकाएंगे। इसमें टमाटर भी डालेंगे अभी। और इधर बन रहा है मेरा चाय थोड़ा सा। देखिए मेरा मसाला अच्छे से पक रहा है, इसमें नमक भी डाल दिए हैं। तो अभी 2 मिनट और पकाएंगे हम ढक के। देखिए मेरा मसाला तेल छोड़ दिया है और इसमें डाल दे रहे हैं सब्जी। हम इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। देखिए हम इसमें टमाटर, सब्जी सब डाल दिए हैं। इसमें अभी हम थोड़ा सा डाल देंगे पानी। अब हम डाल दे रहे हैं पानी गाइस। इसमें हम डाल दिए थोड़ा सा पानी। पक जाएगा तो इसमें धनिया डाल देंगे। तो गाइस आज का अगर मेरा ये सब्जी अच्छा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है मेरा सब्जी। मार देंगे कृष्णा, बहुत बदमाशी करते हो तुम। चलो अभी छत पे डाले हैं नमकीन चावल के लेके आए। हाँ वीडियो में बोले तो मेरा सब्जी पक रहा है, अभी पक जाएगा तो फिर हम डाल देंगे धनिया इसमें। तो सब्जी मेरा पक रहा है। हाँ चिंता पकड़े बस, सब्जी मेरा रेडी है बन के। हरा धनिया डाल दिए हैं। अरे मसाला तो हेलो गाइस, मेरा सब्जी बनके रेडी है। तो अगर आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, गुड नाइट। ऊपर पूरा ना उतरी। देखिए गाइस मेरा सब्जी बन गया और हम खा भी रहे हैं। बहुत टेस्टी सब्जी बना है। हम और कृष्णा दोनों लोग यहाँ पे खा रहे हैं सब्जी और रोटी।